हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे चैनल जॉबलेस फैमिली में। दोस्तों, आरआरबी एलपी 10 टेक्नीशियन का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका फाइनली रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया गया है आरआरबी की तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं आरआरबी ने सीबीटी 2 का भी रिजल्ट जारी कर दिया है और फिजिको टेस्ट का भी डेट बता दिया गया कि वो फिजिको टेस्ट होगा 10/5/2019 को। और आपका शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का एंड कट ऑफ का भी लिस्ट जारी कर दिया गया है एएलपी के लिए। तो दोस्तों, चलिए देरी ना करते हुए देख लेते हैं कि क्या क्या बताया गया है आरआरबी की तरफ से। दोस्तों, अभी हम है आरआरबी बिलासपुर के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पर अगर आप आइएगा तो यहाँ पर पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बताया गया है। तो यहाँ पर राइट साइड में एक लिंक दिया गया है जो कि है सीन नंबर 1/2018। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो एक पेज खुल जाएगा। तो इस पेज के आप अगर आप नीचे आएंगे तो नीचे में एक आपका लिंक दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। तो नीचे में आके आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि नोटिस ऑन रिवाइज कोड एंड लिस्ट कैंडिडेट सॉलिस्टेड फॉर सीबीएटी। यहाँ पर आज का डेट देख सकते हैं आप 27/4/2019। उसके बाद देख सकते हैं रिवाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सॉलिस्टेड फॉर सीबीएटी। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ। उसके बाद यहाँ पर लिंक दिया गया है स्कोर चेक करने का, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए एक एक करके सभी देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप सब देख सकते हैं मैं वो ऑफिशियल नोटिस खोल रखा हूँ। यहाँ पर बताया गया है कि जो जो रिजल्ट 5/4/2019 को दिया गया था वो उसमें कोई कोई कारण था, मतलब उसमें कोई गलती होने के कारण वो लिस्ट अभी भी फिर से जारी कर दिया गया है आज को। और ये आप देख सकते हैं आज से लेकर मतलब 27/4/2019 से 10/5/2019 तक आप भी रिजल्ट अपना चेक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ देखें। तो उसके बाद और एक चीज़ बताया गया है कि यहाँ पर जो फिजिको टेस्ट का होगा तो फिजिको टेस्ट का जो डेट दिया गया है 10/5/2019 को। और यहाँ पर 3 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम चलेगा, इसके लिए आपको टाइम दिया गया है 71 मिनट। और यहाँ पर एक और चीज़ बताया गया कि जो टी स्कोर, आपको टी स्कोर लाना होगा 42 लाना होगा टी स्कोर सभी टेस्ट बैटरी में। और इसके लिए आपको कोई नेगेटिव मार्किंग दिया गया है, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, आप सभी देख सकते हैं। और इस सैम्पल मॉक टेस्ट के लिए आप ये इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं जो कि है आरडीएसओ का ऑफिशियल लिंक। तो यहाँ पर आके आप अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं 2/5/2019 से 10/5/2019 के बीच में। तो उसके बाद बताया गया कि एक विजन सर्टिफिकेट आपको ले जाना था, तो उसका भी फॉर्मेट नीचे दिया गया है। तो उसको आपको बनवा के ले जाना है ओरिजिनली जब आप अपना एग्जामिनेशन देने जाओगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो जो फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर मैंने एक फॉर्मेट का वीडियो भी बनाया था, वो भी आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। तो इस फॉर्मेट को बना के आपको ले जाना होगा। तो दोस्तों, देख लेते हैं उसके बाद क्या नोटिस दिया गया है। तो यहाँ पर रिवाइज लिस्ट भी कैंडिडेट का जारी कर दिया गया है जो कि फिजिको टेस्ट के लिए है। तो उनको भी अगर हम चेक कर ले तो उनको उनको डाउनलोड करने के बाद ये जो पेज है वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर जो भी शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनका एक लिस्ट जारी कर दिया गया है। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पर 11,480 कैंडिडेट अभी सिलेक्टेड हुए हैं। यहाँ पर बताया गया था कि 8 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर लिया जाएगा। तो आप सब देख सकते हैं ये बिलासपुर जोन का है। यहाँ पर आपका दिया गया है, यहाँ पर पूरा का पूरा जो लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं फिजकोर के लिए तो उनका लिस्ट जारी कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, अभी हम देख लेते हैं कि कट ऑफ कितना गया था, मतलब कट ऑफ कितना गया है। तो ठीक था, उसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर कट ऑफ का भी सेक्शन दिया गया है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद आप सब देख सकते हैं यहाँ पर कट ऑफ कितना गया है। तो कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करें तो यूआर के लिए गया है 58, एससी के लिए 30, एसटी के लिए 25, ओबीसी के लिए 50, तो ऐसे करके यहाँ पर कट ऑफ गया है। तो अभी हम फाइनली चलते हैं कि आप अपना स्कोर कार्ड कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए चलते हैं देख लेते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपको यहाँ पर आना होगा जहाँ पर लिखा हुआ है लिंक फॉर कैंडिडेट लॉग इन टू व्यू स्कोर कार्ड। देखिए आज के डेट में ही लिखा गया है 27/2019। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा। दोस्तों, आप सब देख सकते हैं यहाँ पर जो पिछले वाले का दिया गया था वही यहाँ पर लिंक शो कर रहा है, मतलब ये जो पेज है यहाँ पर अभी भी रिफ्रेश, मतलब यहाँ पर अभी दिया नहीं गया है लेकिन कुछ देर पहले था। आप सभी उसके बाद कंटिन्यूस चेक कर सकते हैं, रिफ्रेश करते रहिए। तो रिफ्रेश करते करते आप यहाँ पर एक पेज आ जाएगा जहाँ पर आपको एक अपना लॉगिन आईडी और अपना पासवर्ड देके लॉगिन करके आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं और हमें भी अपना स्कोर कार्ड शेयर कर सकते हैं।
तो दोस्तों यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो कि छोटी नहीं है, तो यहाँ पर आपको बताना था। तो उम्मीद है अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करेगा और अपने दोस्तों के साथ जो भी यहाँ पर आरआरबी का CBDU का एग्ज़ाम दिया दिया था उनको भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।